वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आ गया हूँ इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, और पता है वॉशिंग मशीन लेना था, तो हम लोग देख के गए थे लेकिन बजट थोड़ा नहीं था, तो आ गए हैं फाइनली। मैं अकेले लेने आया हूँ और एक टीवी भी लेना है। सबसे पहले ज़रूरी है वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। देखते हैं इधर बहुत सारा लगा हुआ है, कौन सा पसंद आता है, किसके फीचर्स अच्छे हैं, कौन वारंटी अच्छा है और कौन सी कंपनी का अच्छा है। ऐसे यहाँ पे तो बहुत कंपनी है, कैल्विनेटर है, लॉयड है, सैमसंग है और विलेट है, बहुत है। तो देखते हैं कौन सा पसंद आता है, हायर का भी है। तो आप लोग को एक बार बैक कनेक्ट करके मैं दिखाता हूँ। इससे पहले जो लोग चैनल से नए जुड़े दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। टीवी भी लेना है मुझे, थोड़ा सा आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाते हैं। ये देखिए गोदरेज का है, 8.5 किलो का है और ये उसका चाहिए काफ़ी महंगा है, 15-20 हज़ार के आसपास का है ये। ये भी अच्छा लग रहा है, ये जितने चीज़ें ज़्यादा देख लो तो समझ में नहीं आता है, और बाहर भी लगा हुआ है। कौन सा लें समझ में नहीं आता है। गाइस आप लोग भी थोड़ा कमेंट करके बताइए कौन सा लें, ये वाला लें, ये वाला लें, ये वाला लें या फिर ये वाला लें। एक दिन हम लोग देखने आए थे, देख के गए थे उधर, वो ब्लैक वाला देख के गए थे, पता नहीं। ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत महंगी हो गई इस टाइम दोस्तों। तो चलो बने रही, देखते हैं कौन से लेते हैं। मैं अकेले आया हूँ, कोमल घर पे है, बेबी को देख रही हैं, तो मार्केट लाना संभव नहीं होता है ना। फाइनली गाइस हमने वॉशिंग मशीन ले लिया है, वही ब्लैक वाला आपको दिखा देता हूँ, घर पड़ा हुआ है और उसका जो नया पीस है उसको बाहर रखा हुआ है। तो घर पहुँचेगा तो आप लोग को बढ़िया से दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों कपड़े काफ़ी ज़्यादा आजकल निकलते हैं, खास करके बच्चे के, तो कपड़े धुलने का मतलब कोमल अगर पानी में काम करेगी तो फिर बच्चे को नुकसान करेगा, बच्चे को नुकसान करेगा तो फिर परेशानी बढ़ेगी। तो हम कहे चलो वॉशिंग मशीन ले ही लेते हैं, बहुत ज़रूरत है ठंड में। आप लोग बोले कि वॉशिंग मशीन ले लो, इतना खर्चा करते हो तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार ना ही सही, वॉशिंग मशीन आएगा तो काम आएगा। अब दोस्तों मुझे कुछ दिन बाद एक टीवी लेना है इतना बड़ा सा, ताकि दीवार पर लगे, थोड़ा सा उनका भी टाइम पास हो, थोड़ा मैं भी घर पर आऊँ तो टीवी वगैरह देखूँ, देश दुनिया खबरें देखूँ क्या चल रहा है। उसमें स्मार्ट टीवी लेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, सब कुछ उसमें चलेगा भी। अभी मेरे फ़ोन आ रहा है, फिर बात करते हो, फिर आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। गाइस चलते हैं, कोमल भी खुश हो जाएगी, चलो वॉशिंग मशीन ले लिया, बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस फाइनली हाथों हाथ मैंने इसे अभी ऊपर ही चढ़वा दिया, रिक्शा करके मैं खुद ही लेके आ गया। गेट खुलवाते हैं, बहुत थक गया। आ गए, आ जाओ यार, थक गए। कैलकुलेटर कर लिया मैंने। पापा, अरे पापा, पापा क्या लेके आए देखो। पापा इतना बड़ा सा चिज्जी लाए हैं। मैं भी थोड़ा इसे अंदर खींचो, पर्दा मोड़ के अंदर खींचो, चढ़ाते में हालत खराब हुई यार, बहुत सारा दोस्तों कपड़ा पड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा हमारे बेबी का। अरे मैडम, ओए कुछ माँ आवाज सुन के शांत हो, बेटी हमारी आवाज सुन के शांत हो, खेल रही थी क्या, इधर घुमाओ। अरे बाप रे, पापा चिच्ची लाए हैं। ओए ओए छोरी, बहुत गर्मी भी लग रहा है यार, ठंड में गर्मी के। तो आ गया दोस्तों हमारा कैल्विनेटर वॉशिंग मशीन, चलो पूजा पाठ, थोड़ा सा रेस्ट करके मिलते हैं दोस्तों। तो गाइस
थक गए हैं, थोड़ा सा बोल रहे हैं, हाथ पैर दबा दो यार, थोड़ा उधर उधर घिसको यार। अरे यार कैसे चले जाए उधर, बच्चा है, बच्चा लेटी है, बच्चा लेटी है, लेटा है, तो थोड़ा सा उधर मूव कर दो ना, अभी नींद उसका टूट जाएगा। मेरा पता है आप वॉशिंग मशीन उठा के लाए ना दोस्तों, पकड़ा, क्योंकि मैं नीचे सपोर्ट पे था तो मेरा हाथ इसे काँप रहा है। जल्दी भारी चीज़ उठाते नहीं हैं, तो कभी भी उठा लेते हैं ना तो हाथ वोत काँपने लगता है। मेहनत का काम कभी किए नहीं हो, कर तो रहे हैं आज का, मैं सुबह जल्दी उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अब क्या करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और ठंड में तो वैसे भी, लेकिन ठंड में थोड़ा खाने पीने को ज्यादा अच्छा मिलता है। ठंड है लेकिन तुम्हें देख के कोई कहेगा नहीं कि ठंड है, ऐसा कपड़ा पहने हो। अरे यार तो हम अभी थक के आए हैं, नीचे से सीढ़ी चढ़ के तो वेट उठा के आए, तो पसीना तो ऑटोमेटिक होता है। पानी पिला दो गिलास, ठीक है। नींद भी आ रही है कसम, मीठा खा लो मीठा। सुबह जल्दी उठ जाते दोस्तों, हम नींद भी आने लगती है 8:30 बजे। बोले थे कि उस दिन दिवाली वाले दिन की बूंदी का लड्डू ला रहे हो, लाए मगदल का लड्डू, आप खत्म हो गया था, नहीं मिल रहा था। हाँ हमको ना यहाँ पे पता है दोस्तों, हमको बूंदी का लड्डू यहाँ का बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे वैसे कोई मीठा हमको उतना खास नहीं लगता है, हम लोग के साइड मीठा उठा बहुत अच्छा मिलता है, चाहे जामुन हो चाहे छेना। हमारी अभी क्या देखिए सो गई है। A few moments later. आज वॉशिंग मशीन आया, कुछ किचन में स्पेशल बने यार, वही बना रही आलू टमाटर मटर, क्या यार हद कर दी एकदम। रोज स्पेशली बनाए, क्या भी दिवाली था स्पेशल बनाया, फिर दिवाली धनतेरस स्पेशल बनाया, रोज स्पेशल बनाए। तो ये बना रही, क्या बना रही हो तुम? कलौजी आलू का बना रहे, दाल चावल रोटी सब बना रहे, बस कलौजी बनाना था। गुजिया बनाने वाले थे ना तुम, गुजिया मसाला बना दिया, गुजिया का मशीन नहीं मिल रहा है, मशीन नहीं मिल रहा है, और तुम्हें वो मोटा पट्टी वाला पसंद मुझे नहीं, मोटा पट्टी कोई पसंद नहीं है, इसीलिए वो रुका हुआ है काम। तब चलो कपड़े उपड़े धुलो, वॉशिंग मशीन आ गया है, चलो अब सुबह धुलना कपड़े, जब सुबह खोलेंगे तब आराम से धुलना उसमें से। हाँ कल अच्छा दिन भी है, आज अच्छा दिन है, कल पूजा कर लेंगे ना। पहले उसको समझना पड़ेगा कैसे कैसे क्या क्या उसका सिस्टम है, सिस्टम तो उन्होंने बताया होगा ना आपको, तो मुझे तो पता ही है, लेकिन आपको आप लोगों को समझाना पड़ता है ना, क्योंकि है तो नहीं तो तुम्हारे पास था, तो उनके पास समझने की क्या जरूरत थी? मुझे तो पता है, मैंने उनसे समझा भी नहीं है, अभी तो बोलो उन्होंने हमें समझाया है। आज मैंने बहुत थका थका लग रहा हूँ यार, सच में सुबह उठ जाए मतलब थकाई आ जाती शरीर में। तो गाइस इधर इनका आलू भुजिया भुजिया बन रहा है, हम भूल गए कि हम नमक डाले कि नहीं, नहीं नमक नहीं डाले थे मुझे पता है। तो ये बन जाता है, फिर खा लेते हैं, फिर पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, मतलब फिर सुबह उठेंगे दोस्तों, मेरी आंखों में नींद भी है बहुत, पानी ही लोग समझ रहे हैं, ठीक है मतलब मत बताओ। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वॉशिंग मशीन ले लिया है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत दिन से सोच रहे थे, सोचा हुआ काम ना जब मतलब पूरा होता है, लेकिन जब उसका समय आता है तभी पूरा होता है। तो हमने धनतेरस दिवाली पे भी सोचा था ले लेंगे, गए थे भी देखने, लेकिन समझ में नहीं आया उस टाइम, लेकिन उसका मुहूर्त नहीं निकला था, आज निकल गया। अरे घर में कुछ आने वाला था, तो बिना जब से उसका टाइम नहीं आएगा तब तक वो नहीं ले सकते आप, बात सही है, भले ही पैसा हो कि जब तक उसका समय नहीं सही रहेगा नहीं ले सकते हैं आप। तो आज समय अच्छा था तो हमने इधर वॉशिंग मशीन ला दिया है, कैल्विनेटर वॉशिंग मशीन देख सकते हैं आप लोग, हमारे यहाँ कैल्विनेटर का फ्रिज है। इधर हमारी बेटी भी उठ गई है, अभी क्या इधर देखना, अभी क्या पापा पापा मशीन लाए हैं, आपके कपड़े धुलेंगे उसमें, हाँ आपके कपड़े फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा मशीन से धुले हुए रहेंगे ना बेटा जी न, हाँ अभी का भी खुश है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में सुबह, क्योंकि दोस्तों भी रात हो गया है तो सुबह ही मिलेंगे। तो बाय बाय, लव यू ऑल माय टू फैमिली।